अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु संदिग्ध स्थिति में हुई। उनके जाने के बाद कई सवाल सामने आ रहे हैं, संपत्ति, संपत्तियों की हेराफेरी और रसूख। उनके शिष्य आनंद गिरी, जिनका जिक्र सुसाइड नोट में भी है, उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, महंगी गाड़ियां, क्रूज और लग्जरी हवाई जहाज में सफर करते हुए। इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये अखाड़ा परिषद है क्या, और कोई भी व्यक्ति अखाड़ा परिषद के शीर्ष पर कैसे पहुंचता है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और ये है यूपी तक। दरअसल अखाड़ा परिषद को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर अखाड़ा क्या है। हिंदू धर्म में अलग अलग पंथ हैं और इन अलग अलग पंथों के अलग अलग साधु होते हैं। ये साधु आश्रम में रहते हैं और आश्रम में रहने वाले साधुओं के एक समूह को जत्था कहा जाता है, इसे बेड़ा भी कहा जाता है। लेकिन मुगल काल में इन जत्थों और बेड़ों के लिए एक शब्द सामने आया, ये शब्द था अखाड़ा। दरअसल इसके पीछे कई और तर्क दिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि वैसे साधु जो शस्त्र विद्या में पारंगत हैं उन्हें भी अखाड़ा कहा जाता है। इसके अलावा अलख, अखड़ और आश्रम जैसे शब्दों से भी अखाड़े शब्द की उत्पत्ति बताई जाती है। देश में फिलहाल कुल 13 ऐसे अखाड़े हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। आइए जानते हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी प्रयागराज, श्री पंच अटल अखाड़ा वाराणसी, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी प्रयागराज, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती नासिक, श्री पंच दशानाम जूना अखाड़ा वाराणसी, श्री पंच दशानाम आवाहन अखाड़ा वाराणसी, श्री पंच दशानाम पंच अग्नि अखाड़ा जूनागढ़। वैरागी वैष्णव समुदाय के 3 अखाड़े हैं, श्री दिगंबर अनी अखाड़ा गुजरात, श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा अयोध्या, श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा वृंदावन। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा प्रयागराज, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन हरिद्वार, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा हरिद्वार। बताया जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इन 13 अखाड़ों को बनाया था। यही अखाड़े आज के दौर में कुंभ में पेशवाई भी करते हैं, बड़े धूमधाम से स्नान भी करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अखाड़ों में शामिल कैसे हो सकते हैं, या महंत या सन्यासी बनने की प्रक्रिया क्या है। दरअसल जो भी व्यक्ति सन्यासी बनना चाहता है उसे पहले अखाड़ों में जाना पड़ता है। यहाँ उसे 6 महीने, 1 साल या एक तय समय के लिए सेवादार नियुक्त किया जाता है। दरअसल यही वो समय होता है जब अखाड़ा रेकी करता है। इस दौरान उस व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में जाँच की जाती है। इसके पीछे का मकसद ये होता है कि जाना जाए कि आखिर उस व्यक्ति की असली इच्छा क्या है, यानी कि साधु बनने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। जब उद्देश्य के बारे में पता चल जाता है तो अखाड़े से मंजूरी मिलती है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने गुरु का चयन करता है और उसे दीक्षा दी जाती है। इसके लिए उसे कुंभ जाना होता है और कुंभ में होती है एक बड़ी प्रक्रिया जिसमें पिंडदान से लेकर तमाम क्रियाकर्मों से गुजरना पड़ता है और तब जाकर अखाड़े में मिलती है जगह। अब जब बात अखाड़ों की हो रही है तो सवाल ये भी है कि अखाड़े का सबसे बड़ा पद क्या होता है। दरअसल 7 शैव और 3 उदासीन अखाड़ों के लिए आचार्य महामंडलेश्वर का पद सबसे बड़ा होता है। वहीं वैष्णव अखाड़ों में आचार्य श्री महंत का पद सबसे बड़ा होता है। कई बार संत अखाड़े या अपने गुरु से मंजूरी लेकर अपना खुद का मठ बना लेते हैं और उस गद्दी पर आसीन हो जाते हैं। इसके अलावा एक और परंपरा है। दरअसल इस परंपरा को कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें गुरु अपना उत्तराधिकारी तय करता है और ये बताता है कि उसके जाने के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा। जैसे फिलहाल नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में, जहां उन्होंने अपना वसीयतनामा भी लिखा है, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बलबीर गिरी को चुना है। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, यानी कि उस मुद्दे की कि आखिर अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष आदमी कैसे बनता है। दरअसल जो ये 13 अखाड़े हैं, इन अखाड़ों के ऊपर एक संस्था है जिसे अखाड़ा परिषद कहते हैं। इसका निर्माण तब किया गया जब अखाड़ों के बीच में टकराव देखने को मिला। समय समय पर इन अखाड़ा परिषदों के सभी सदस्य, जिसमें मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर शामिल होते हैं, इकट्ठा होते हैं एक स्थान पर और उस दौरान अखाड़ा परिषद के सबसे बड़े पद यानी अध्यक्ष पद का चुनाव होता है।
फिलहाल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी थे, अब उनके उत्तराधिकारी का इंतजार है। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।